guys, welcome to my channel. Today I'm going to show you how to make this dress. So guys, video dekhne se pehle video like kar le, subscribe kar le and notification bell click kar le, jisse aap meri koi video miss nahi karenge. So guys, let's get started. So, ise banane ke liye maine 2 meter fabric liya hai jisse main strips cut karungi and 2 meter maine ghere ke liye fabric liya hai and inner liya hai. To sabse pehle hum apne ghere ka inner cut karenge. तो इसके लिए हम इसे वन टाइम फोल्ड करेंगे एंड देन हम इसे क्रॉस फोल्ड करके पे मार्क करेंगे. दोनों साइड हमें ऐसे ही मार्क कर लेना है. इसे जब हम अपनी वेस्ट साइज लेंगे एंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमारी दोनों साइड इक्वल रहेगी. तो इसके लिए हमें अपनी वेस्ट साइज मार्क करना है. हमें अपनी वेस्ट साइज लेनी है एंड उसे 4 से डिवाइड करके जो आए उसे हमें मार्क करना है एंड हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है स्टिचिंग के लिए एंड देन हमें लाइन ड्रॉ करना है. इसके बाद मैं इसकी लेंथ लूंगी 30 इंचेस. पूरे घेरे पे हमें मार्क करके लाइन ड्रॉ करनी है. एंड देन हम इसे कट कर लेंगे. एंड जो हमने कट किया फैब्रिक उसे हमें लेना है एंड इसके ऊपर रखकर हमें जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उसके घेरे का हमें शेप देना है इसमें एंड देन हमें इसे मार्क करके कट कर लेना है. ये देखिए, इसके बाद हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे एंड इस पर अपना इनर वाला घेरा रखेंगे एंड इसकी वेस्ट साइज मार्क कर लेंगे एंड कट कर लेंगे. इसके बाद हम इसकी लेंथ लेंगे. इसकी लेंथ मैं लूंगी 22 इंचेस. तो हमारी पूरे जो स्कर्ट की लेंथ है वो 38 इंचेस की है. अगर आपको इससे ज़्यादा की लेंथ की बनानी है स्कर्ट तो आपको घेरा अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर लेना है. इस पे मैंने 22 इंचेस पे पूरे घेरे पे मार्क किया है एंड लाइन ड्रॉ करके इसे हमें कट कर लेना है. ये देखिए, इसके बाद हम बचे हुए फैब्रिक को लेंगे, उसे वन टाइम फोल्ड करके उसके ऊपर हमने जो घेरा कट किया था उसे हमें रखना है एंड सेम मार्क करके हमें इसे कट कर लेना है. ये देखिए, इसके बाद हमें इसे कट कर लेना है. देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है. इसके बाद हमें नीचे साइड 8 इंचेस पे मार्क करना है एंड जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ से हमें 6 इंचेस पे फिर से मार्क करना है. एंड देन हमें 8 इंचेस एंड 14 इंचेस पे पूरे घेरे पे मार्क कर लेना है.
मार्क करने के बाद हमें इन पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। एंड देन हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। जो घेरा मैं कट किया था इसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है कट करके। इसके बाद हमें इसे स्ट्रिप्स कट करनी है। तो बड़ी वाली स्ट्रिप जो हमारी है उसे मैंने 9 इंचेस की कट की है, छोटी वाली स्ट्रिप 5.5 इंचेस की कट की है। उसके बाद हमें अपना घेरे का फर्स्ट पार्ट लेना है एंड इसके एक साइड को स्टिचिंग लगा के ज्वाइन कर लेना है। सेकेंड पार्ट को भी हमें एक साइड से ज्वाइन कर लेना है। थर्ड को भी हम साइड से स्टिचिंग लगा के ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए मैंने तीनों पार्ट को एक साइड से ज्वाइन कर लिया है स्टिचिंग लगा के। इसके बाद हमें अपना फर्स्ट पार्ट लेना है। एंड हमें अपनी छोटी वाली स्ट्रिप लेनी है जो हमने 5.5 इंचेस की कट की थी। इस पर हमें अपना मेन फैब्रिक रखना है एंड इसे अच्छे से सेट करके हमें इसे अपने घेरे के ऊपर रॉन्ग साइड पे रखना है। इसके बाद हमें इसे अच्छे से सेट करते हुए स्टिचिंग लगा लेना है पूरे घेरे पे। ये देखिए मैंने पूरे घेरे पे इसे ज्वाइन कर लिया है। बची हुई स्ट्रिप को हम साइड से कट कर लेंगे एंड इसके बाद हम अपने घेरे के सेकंड पार्ट को लेंगे एंड इसे हमें अपने घेरे के ऊपर रखना है रॉन्ग साइड करके एंड अच्छे से सेट करते हुए स्टिचिंग लगा देना है। ये देखिए इसके बाद हमें अपने बचे हुए घेरे को कट कर लेना है एंड इस पर हमें अपनी सेकेंड स्ट्रिप ज्वाइन करना है। उसके लिए हमें इस पर मेन फैब्रिक अच्छे से सेट करके इसे हमें रॉन्ग साइड करके इसके ऊपर रखना है एंड स्टिचिंग लगा लेना है। ये देखिए इसके बाद हमें अपना घेरे का थर्ड पार्ट लेना है एंड इसे भी हमें स्ट्रिप के ऊपर रॉन्ग साइड करके रखना है एंड स्टिचिंग लगा लेना है। इसके बाद हमें अपनी बड़ी वाली स्ट्रिप लेनी है जो हमने 9 इंचेस की कट की थी। इसके ऊपर हमें अपनी मेन फैब्रिक की कट की हुई स्ट्रिप रखनी है रॉन्ग साइड करके एंड एक साइड से हमें पूरे में स्टिचिंग लगा देना है। ये देखिए इसके बाद हमें इसे टर्न कर लेना है। एंड इसे हमें अपने घेरे के ऊपर रखना है
ये देखिए इस पे हमें स्टिचिंग लगाना है। ये देखिए मैंने स्टिच लगा दिया है। इसके बाद हमें बेल्ट के लिए 3 इंचेस की 2 स्टिच कट करनी है एंड इसे हमें सेंटर से फोल्ड करके इसमें अपनी वेस्ट साइज मार्क करनी है एंड 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है स्टिचिंग के लिए। इसके बाद हमें अपने इनर के ऊपर अपने मेन फैब्रिक की स्ट्रिप रखनी है रॉन्ग साइड करके एंड स्टिचिंग लगा लेना है एंड छोटे छोटे कट्स लगा के हमें इसे टर्न करना है एंड इसे अच्छे से सेट करने के लिए इस पर आयरन कर लेना है। इसके बाद हम अपना इनर वाला घेरा लेंगे एंड नीचे साइड जो हमने ज्वाइन करने के लिए पार्ट्स कट किए थे उसे हम अपने घेरे के ऊपर रॉन्ग साइड करके रखेंगे एंड दोनों साइड हमें इसे ऐसे ही ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए मैंने इसे ज्वाइन कर दिया है एंड नीचे साइड हमें पूरे घेरे पे डबल फोल्ड करके स्टिचिंग लगा लेना है। इसके बाद हमें अपना मेन फैब्रिक वाला घेरा इनर वाले घेरे के साथ अच्छे से सेट कर लेना है। इसके बाद हमें अपनी बेल्ट लेनी है एंड इसे हमें इसके ऊपर रॉन्ग साइड करके लगाना है। साइड में हमें 1/2 इंच फोल्ड कर लेना है। स्टिचिंग लगा लेना है पूरे पे। ये देखिए मैंने स्टिचिंग लगा दिया है। इसमें मैं जिप लगाऊंगी। इसके ऊपर हमें इसे अच्छे से सेट करके रखना है एंड पूरे में स्टिचिंग लगाना है। दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही स्टिचिंग लगा के ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए मैंने जिप को ज्वाइन कर दिया है। इसके बाद हम घेरे को साइड्स को भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक वाले घेरे को स्टिचिंग लगा के ज्वाइन करेंगे देन हम इनर वाले घेरे को ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए गाइस हमारी ब्यूटीफुल स्कर्ट रेडी है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ स्कर्ट का वीडियो शेयर किया। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है गाइस, इसलिए मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो फर्स्ट पार्ट में हमारी स्कर्ट रहेगी, सेकंड पार्ट में इसका टॉप रहेगा एंड थर्ड पार्ट में इसकी जैकेट रहेगी। सो गाइस आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बहुत सारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। एंड हाँ, अगर नीचे बेल आइकन होगा उसको क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा। जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँच जाएगी और आप मेरी वीडियो से पहले देख पाएंगे। सो गाइस फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।